जितना देर तक आप रोक सके रोकिए। जब सांस लेने का इच्छा हो तो धीरे धीरे सांस भरते हुए आप फिर बैठ जाएं। फिर आइए एक बार और करते हैं इसका अभ्यास। इसका उल्टा अभ्यास करेंगे तो लाभ के बदले ना हानि होगा। ये पैंक्रियाज पर सीधा इसका दबाव पड़ता है। ऐसे किया, सांस को भरे, आगे से माथा थोड़ा उठा लीजिए। कहो अनिल। नहीं बोली, सुनाता हूँ। कहो। केवनी को जमीन की तरफ झुकाते हैं। अब इसमें आप झुके रहिए और सांस लीजिए और छोड़िए धीरे धीरे। धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो पेट का मसाज हो जाएगा। अब धीरे धीरे सांस भर के वापस। इसका जब अभ्यास सटीक होगा तो आपके हाथ पर जैसे नाड़ी छूते रहते तो चलता है तो महसूस होता है फक फक, तो वैसे पैंक्रियाज का स्पंदन टोन आपके हाथ पर महसूस होगा। हाथों पर तो समझिए कि आपका अभ्यास ठीक हो रहा है और शुगर में वो लाभ देगा। नहीं तो ऐसे जीवन भर झुकेंगे उठेंगे कोई लाभ नहीं होगा। तो आइए इसका दूसरा अभ्यास करते हैं। अब बाएं हथेली को नाभिक ऊपर रखते हैं, दाहिने हथेली को उसके ऊपर रख लिया, फिर धीरे धीरे सांस को भरा, बाया नीचे दाहिना ऊपर, फिर वही प्रक्रिया, सांस लिया सांस को छोड़ दिया, पेट को थोड़ा अंदर खींचते हैं। धीरे से आगे से गर्दन को उठाते हैं, सांस को रोक करके रुके हुए की स्थिति में सांस बाहर निकला हुआ है। अब इसमें महसूस करिए आप, हाथ में धक्का दे रहा होगा अंदर से। झुकिए अभी और महसूस करिए हथेली पर। अब सांस लीजिए छोड़िए धीरे धीरे। जब आप सांस पूरा जब छोड़ देंगे तो महसूस होगा कि नाड़ी जैसा अंदर चल रहा है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए।